गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, सबका सही चल रहा होगा। तो अभी का सीन कुछ ऐसे आज हम करने वाले हैं सीन केविन एस 125 से ऑफ रोडिंग। तो हमारे साथ रहेंगे हमारे प्यारे अजय भाई। अजय भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में बाइक पे करते हैं कैमरा को माउंट और देखते हैं क्या रहेगा आज का प्रोसेस। जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा हम पेट्रोल भराएंगे, तो क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो ऑफ रोडिंग में हमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो पहले हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, मिलते हैं आपको पेट्रोल पंप पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जैसे भी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे, भरते हैं पेट्रोल, तब तक के लिए देखिए आप। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। ये कर दिया हमने पेट्रोल पंप को बाय बाय और अब हम निकलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। देखते हैं क्या रहता है सुजुकी की एविनस की परफॉर्मेंस, आपको भी दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। ये अपने दूसरे फ्रेंड जिसका नाम है साहिल, इसके पास है एंटॉर्क 125 cc, ये भी है, तो ये भी आ जाएंगे हमारे साथ ऑफ रोडिंग के लिए। देखते हैं क्या रहेगा दिन भर का प्रोसेस, तब तक के लिए स्टे ट्यून। इसलिए अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए, तो देखिए देखिए कैसी रहती है ऑफ रोडिंग। ओ भाई स्कूटी पे ऑफ रोड मुश्किल है यार, क्या करें। वो रहे हमारे साहिल भाई आगे एंटॉर्क लेके, देखते हैं आज क्या रहती है सुजुकी एविनस 125 की परफॉर्मेंस। ये देखिए, ओ गर्दा उठा दिया ब्रो, ओ भाई क्या चला रहा है भाई। लेकिन लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि नहीं भाई आराम से चलो। हम रुके थे थंबनेल बनाने के लिए, थंबनेल शूट हो गया, अब चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। एक चीज़ आपको करनी है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपको एक चीज़ करनी है, एक तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत भी लगती है गाइस वो दे। और साहिल भाई को आप चेक कीजिए, साहिल भाई कैसे दौड़ा रहे अपनी स्कूटी। हम दौड़ाते लेकिन हमारा व्लॉग खराब हो जाएगा, अभी साहिल भाई की चैनल भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन ये मार दिया हमने साहिल भाई को ओवरटेक। ओ भाई व्हाट इज दिस, ओ ओ ओ रहा, यहाँ पर तो स्कूटी ऑलरेडी है ब्रो, ये सेंसर चेक करो गाइस, और यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू भी है। आपको आज बर्नआउट दिखाएंगे स्कूटी पे, वैसे तो होता नहीं है स्कूटी पर बर्नआउट, लेकिन कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पर हम कर सके बर्नआउट। मेरी स्कूटी में तो अभी टायर नहीं है। गाइस यहाँ पर एक आगे बहुत ही अच्छी प्लेस है जहाँ पर हट है टूरिस्ट के लिए, अभी बनी नहीं है लेकिन दिखाते हैं आपको ज़रूर, और जब बनेगा भी तब भी दिखाएंगे। तो ये रहे यहाँ से कुछ हट, लेकिन यहाँ पर ये देवार दी हुई है इन्होंने, वो रहे हट गाइस, आपको ले चलते हैं वहाँ पर और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं जैसा रहता है होता है। वो साहिल भाई दिखता ही नहीं है भाई, साहिल भाई का अलग ही दौरा चल रहा है। तो गाइस ये यहाँ पर बर्फ चेक करो, बर्फ है पहाड़ों पे कश्मीर में। आपके यहाँ का वेदर, आपके यहाँ का वेदर क्या है वो भी बताना गाइस जरूर से। अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक जाती है अपनी स्कूटी अविनाश, और देखते हैं फिर क्या होता है। गाइस देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या हो गया। साहिल भाई, साहिल भाई क्या हो गया, क्या हो गया था भाई? आप देख सकते हैं साहिल भाई की स्कूटी गिर गई थी,
यहाँ से थोड़ा स्क्रैच आ गई है, तो कोई मसला नहीं, आपके लिए इतना सब कुछ तो कर ही सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं आगे की ओर, देखते क्या रहता है प्रोसेस। तो चलते हैं आगे, देखते कैसी रहती है ये ऑफ रोडिंग। ओह भाई लेकिन थक गए गाइस, पता है मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि जो हाथों में दर्द होता है ना इन झटकों से, ये झटके गाइस, इन झटकों से हाथों में दर्द जो होता है वो मेन चीज़ है गाइस। तो आज रात को मालिश करानी पड़ी, फिर में भी मालिश कराएंगे गाइस, देखते हैं। ओह भाई यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है। ओह गाइस गाइस ये क्या है गाइस, ये ऑफ रोडिंग थोड़ी मुश्किल है गाइस। यहाँ पर रेत है ना, रेत से स्कूटी थोड़ी फिसल जाती है। तो ये देखो यहाँ की गाइस सीनरी क्या है, बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पर तो यहाँ से भी एक बार दिखा दीजिए, यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया सीनरी है गाइस, बढ़िया ट्रैक्टर है। वो हॉर्न मार रहा है पीछे से, क्या होगा? नहीं आगे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे से देखा है। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल से नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक ये स्टे ट्यून। और यहाँ पर हमारे अजय भाई भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया इस वीडियो में, यहाँ पर हमारे साहिल भाई भी है। साहिल भाई के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे बंदे हैं। तब तक के लिए भाई देखते हैं आगे क्या होता है।